आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीएसआईआर नेट और गेट पर पूछे गए ग्रुप थ्योरी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम, जिसमें हम लेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, जैसे कि पॉइंट कोई भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप कैसे डिटरमाइन करना है, या कोई ऑपरेशन दिया है तो उसको दो ऑपरेशन को किस प्रकार से अदर ऑपरेशन में चेंज करना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री। माई सेल्फ योगेश साहू। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया है उत्पाद एक सिग्मा है, मतलब मिरर प्लेन डॉट S4, मतलब इम्प्रॉपर रोटेशन, प्रॉपर रोटेशन और इम्प्रॉपर रोटेशन दोनों का प्रोडक्ट, और बोला गया है क्या होगा। ठीक, इसमें S4 को लिया है जेड एक्सिस पर और मिरर प्लेन को लिया है एक्स वाई प्लेन पर, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा पूछा गया है। मतलब दोनों ऑपरेशन जब हो रहा है तो किसके किससे कंपेयर किया जा सकता है उसको, क्वेश्चन में ये है। ठीक, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा ये अपने को बताना है। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ इसको समझने से पहले मैं कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है आपको ये देखते हैं। तो फर्स्टली हम देख रहे हैं यहाँ पर, यदि आइडेंटिटी ऑपरेशन लेते हैं और उसमें तीनों कोऑर्डिनेट पर बात करता हूँ एक्स वाई जेड पर, तो आइडेंटिटी ऑपरेशन उस पर अप्लाई करते हैं तो आपको पता ही है आइडेंटिटी इज नथिंग चेंज, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होना है, एक्स वाई जेड ही रहने वाला है। अगर मैं ऑपरेशन पर बात रोटेशन एक्सिस पर बात करता हूँ, जैसे कि मैं सी टू एक्सिस ले सी टू फोल्ड पर बात करता हूँ इसको और लेता हूँ इसको जेड एक्सिस पर, ठीक, तो एक्स वाई जेड कहाँ चला जाएगा, माइनस एक्स पर, माइनस वाई पर, और जेड वहीं का वहीं रहेगा। ठीक, तो एक्स और वाई का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा और जेड का डायरेक्शन वहीं का वहीं रहेगा। ठीक, ये सब मैं बात कर चुका हूँ फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पुराने वीडियो टॉपिक वाइज वीडियो पर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं अगर फुल डिटेल देखना चाहते हैं। अब अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगर टू फोल्ड एक्सिस को एक्स डायरेक्शन पर बात करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन एज इट इज रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा एक्स एक्सिस वाला, और वाई और जेड दोनों निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से वाई पर लेना है तो वाई वहीं रहेगा और एक्स वाई डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक, मिरर प्लेन पर बात करते हैं, तो मिरर प्लेन के लिए क्या होगा, अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन पर लेता हूँ तो एक्स वाई प्लेन पर लेते हैं तो एक्स वाई प्लेन वहीं का वहीं रहेगा और जेड एक्सिस चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर वाई जेड पर बात करते हैं तो वाई जेड वहीं रहेगा और एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, आई होप ये आपको सब पता होगा, मैं पिछले वीडियो पर बात कर चुका हूँ। अगर यहाँ पर इम्प्रॉपर रोटेशन के बारे में बात करते हैं, तो इम्प्रॉपर रोटेशन में क्या होता है, यदि एस एन एक्सिस पर बात करते हैं तो वो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसमें, सी एन और सिग्मा एन एक्सिस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, और सी एन क्या है, ये रोटेशन एक्सिस हो जाएगा, और सिग्मा तो आपको पता है मिरर प्लेन है, या बोल सकते हो प्रॉपर रोटेशन है। ठीक, और इसमें इसको एक और कंडीशन होता है इसमें, जैसे कि मैं अगर एस टू एक्सिस पर एस टू इसमें ऑपरेशन लेता हूँ, एस टू ऑपरेशन को हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई और सी टू, यहाँ पर मैं जेड डायरेक्शन दिया हूँ तो ये हो जाएगा जेड और ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अगर सी टू और सिग्मा एक्स वाई प्लेन पर मिलता है तो हम उसको इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक, आई होप ये सब आपको पता है क्लियरली। अब उसी बेस पर ये जो प्रॉब्लम दिया था, प्रॉब्लम में क्या था, ये था अपना सिग्मा एक्स वाई और S4 जो कि जेड डायरेक्शन पर, इसको सॉल्व करना है अपने को। किस प्रकार से ये सॉल्व होगा देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं सिग्मा एक्स वाई और S4 ना, तो S4 को अभी हम देखें, S4 को क्या लिख सकते हैं, C4 और सिग्मा। ठीक, ये लिख सकते हैं C4 और सिग्मा एक्स वाई। अब इसको मैं जेड डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा जेड डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन होने के कारण से सिग्मा कहाँ जाएगा, एक्स वाई प्लेन पर जाएगा। ठीक, तो अभी इसमें आप देखिए, यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई दो बार हो गया और C4 Z। ठीक, अब इसको सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, आपको पता है जब दो ऑपरेशन को
आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, आइडेंटिटी पर चला जाता है। तो ये अपने को क्या बता देगा, ये दोनों आइडेंटिटी बताएगा। तो आइडेंटिटी बताएगा तो कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, सी फोर जेड और आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के साथ किसी भी ऑपरेशन को हम गुणा करते हैं तो वही ऑपरेशन अपने को मिलता है। ठीक, ये आपको सब, ये आप सबको पता ही होगा कि इस प्रकार से ये होता है, कंडीशन होता है। ये रूल्स के बारे में भी बात, इस रूल के बारे में भी बात कर चुका हूँ। तो ये इस प्रकार से अपने को मिलेगा। ठीक, तो फाइनली आंसर इसका क्या मिल रहा है, C4, जो कि जेड एक्सिस पर। ठीक, तो ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है। तो इसमें देखिए, C4 जेड एक्सिस, C4 वाई एक्सिस, C4 जेड एक्सिस के साथ इन्वर्जन, और C2 जेड एक्सिस। तो क्लियरली यहाँ से समझ में आ रहा है C4 जेड एक्सिस इसके लिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें दिया गया है द करेक्ट रिलेशन इन्वॉल्विंग सिमेट्री ऑपरेशन। उसी टाइप से, उसी बेस्ड पर को मैं क्वेश्चन फिर से उठाया हूँ जो कि पूछा गया है दिसंबर 2017 में। ठीक, तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इस ऑप्शंस में से अपने को खोज के निकालना है कि कौन सा करेक्ट रिलेशन है। जैसे कि S4 2 पर इसको बोला जा, क्या बोला जा सकता है, S2 ऑपरेशन, या S4 3 को C4 3 बोला जा सकता है, या σxz और σyz का प्रोडक्ट C2x बनाएगा, या S6 3 को S2 बोला जा सकता है। तो अपने को खोजना है इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी को सॉल्व करके देखते हैं। अब आपको पता होगा शॉर्टकट, ऐसे सॉल्व करने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को समझना है इसलिए मैं इसको हर एक सभी ऑप्शंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो टू के बारे में बात करते हैं। अभी जैसे कि मैं बताया, S4 को हम लिख सकते हैं CN और सिग्मा। ठीक, अब यहाँ पर जो ऊपर में 2 लगा है उसके लिए मैं यहाँ पर M डिनोट किया हूँ ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं इसको M डिनोट कर दिया हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं σM, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। σM को हम E लिख सकते हैं यदि M का वैल्यू इवन है, क्योंकि आपको पता है सिग्मा मतलब मिरर प्लेन हमेशा एक ही ऑपरेशन शो करता है, डबल ऑपरेशन शो नहीं करता है। यदि इवन आता है तो आइडेंटिटी हो जाता है, मतलब सिग्मा इंटू सिग्मा कर दिए तो वो हो जाएगा आइडेंटिटी बताएगा। अभी पहले ही बात करें, पहले प्रॉब्लम में अगर एम का वैल्यू ऑड है तो वो सिग्मा देगा, मतलब वही ऑपरेशन होगा। मतलब 3 बार, अगर जैसे कि 1 बार सिग्मा है तो ऑपरेशन दे रहा है, 2 बार दिया तो आइडेंटिटी हो जाएगा, फिर अगर 3 बार का प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर से वही ऑपरेशन आ जाएगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ऑड है तो ऑपरेशन होगा, इवन है तो आइडेंटिटी होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम में दिया गया है, देखिए 2 दिया है, मतलब जो कि इवन है, एम बराबर 2 है, तो सिग्मा एम का क्या वैल्यू क्या देगा आपको, मतलब सिग्मा 2 का वैल्यू आइडेंटिटी देगा। तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं आगे C4 2 और σ2 लिखा जा सकता है। अब σ2 को हम लिख रहे हैं आइडेंटिटी, और इसको लिख सकते हैं जब जब ये रोटेशन पर बात करते हैं C4 2, जब इसको ऑपरेशन, पर्टिकुलर ऑपरेशन, जब रोटेशन के बारे में बताया था, पर्टिकुलर जब ऑपरेशन चलाते हैं तो उस कंडीशन में आप देखिए ऊपर के वैल्यू से नीचे के वैल्यू को आप डिवाइड करके देख सकते हैं। डिवाइड करने पर जो वैल्यू आता है वो वैल्यू लिखा जा सकता है। मैं इसको पर्टिकुलर ऑपरेशन लेके बताया हूँ, लेकिन ये ट्रिक के साथ, ट्रिकी में आप बोल सकते हो कि ये जो यहाँ पर वैल्यू रहता है ऊपर नीचे, इसको आप डिवाइड करके देखिए। डिवाइड करने पर जो वैल्यू आता है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 2 1 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा C2। और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के साथ कोई ऑपरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही ऑपरेशन मिलता है। तो यहाँ पर क्या मिला, C2 मिला। तो पहला ऑप्शन में क्या मिल गया, C2 मिल गया। फिर अगला ऑप्शन को देखते हैं, फिर आंसर चेक करेंगे, सबको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है σxz और σyz का प्रोडक्ट क्या C2x के बराबर होगा, चेक कर लेते हैं। σyz, इसी डायरेक्शन में, जनरली इसी डायरेक्शन में सॉल्व करना होता है जो भी ऑपरेशंस दिए रहते हैं। तो σyz पहले लेता हूँ, xyz, और σyz इस पर अप्लाई करता हूँ। तो आपको पता है ये 2 कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट वैसा ही रहेगा, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर -x हो जाएगा और yz वैसा ही रहेगा। ठीक, फिर इस पर हम क्या करते हैं, σxz को अप्लाई करते हैं। σxz अप्लाई करेंगे तो x और z वैसा ही रहेगा,
एक्स और जेड वैसा ही रहेगा और वाई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो एक्स जो कि पहले से माइनस है, माइनस ही है, जेड प्लस है, प्लस ही है, और वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए ये वाई क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। ठीक, तो ये दो ऑपरेशन के साथ इसको सी टू एक्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है ये चेक कर लेते हैं। तो एक बार सी टू एक्स बना के देखते हैं, इस पर किस पर जो प्रॉब्लम दिया है उस पर। तो ये आइडेंटिटी है अपना, इस ये प्रॉब्लम यहीं से प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। तो अगर इस पर सी टू एक्स मैं अप्लाई करता हूँ तो आपको पता ही है अगर रोटेशनल एक्सिस लेते हैं तो जो एक्सिस पर बात करते हैं वो पॉजिटिव रहता है, बाकी दोनों एक्सिस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इस पर देखिए एक्स वाई जेड जो कि तीनों पॉजिटिव था, एक्स एक्सिस पर अप्लाई किए तो ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये दोनों निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे कंपेयर करके देखिए इसको और ये वाला को, तो इसमें देखिए दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सी टू एक्स पर ये कंपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब इसका प्रोडक्ट सी टू एक्स नहीं होगा। ठीक, सॉरी, आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन, एस फोर थ्री पर चलते हैं। एस फोर थ्री पर बात करते हैं तो इसको सी फोर थ्री लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसको देखते हैं, यहाँ से देखिए एस एन को हम क्या लिखते हैं, सी सी एन और सिग्मा, इस टाइप से लिखा जा सकता है। ऊपर में जो सुपर स्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ पर डाल दिए सी थ्री सी थ्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सी फोर थ्री और सिग्मा थ्री को। अब देखिए सिग्मा यहाँ पर क्या है, सिग्मा में जो एम वैल्यू लगा है वो ऑड ऑर्डर में है, तो ऑड ऑर्डर में है तो वो ऑपरेशन देगा यहाँ पर सिग्मा, और सी फोर थ्री को एक दो ये ऊपर नीचे क्रॉस नहीं किया जा सकता तो ये सी फोर थ्री ही लिखेंगे इसको। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा जो कि इसके समान नहीं है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं बैठ रहा है। अगला देखते हैं एस फोर को, तो एस सिक्स थ्री, यहाँ पर एस सिक्स थ्री को एस टू लिखा जा सकता है क्या, देखते हैं चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम फिर से वैसे लिख सकते हैं, एस सिक्स है तो सी सिक्स और सिग्मा लिख सकते हैं, ऊपर में थ्री है थ्री थ्री डाल दिए। तो फिर अब यहाँ पर देखिए इसको क्रॉस किया जा सकता है तो ये हो जाएगा सी टू, वन थ्री वन जो थ्री और थ्री टू जो सिक्स, सी टू लिख सकते हैं। सिग्मा यहाँ पर ऑड ऑर्डर में है तो पर्टिकुलर ऑपरेशन देगा सिग्मा। ठीक, अब आप देखिए एस टू को यदि मैं लिखना चाहूँ इस फॉर्म पर तो क्या लिखूंगा, सी टू और सिग्मा, यही तो लिखूंगा ना। तो उसको हम यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब रिवर्स कर रहा हूँ, सी टू सिग्मा को उल्टा किए, रिवर्स किए तो एस टू लिख सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए एस टू के बराबर क्या होता है, सी टू सिग्मा, और इसको हम इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा एस टू को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो इन्वर्जन अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता तो वो भी सही होता और एस टू है तो ये भी सही होगा। ठीक, तो आई होप अब ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। इस बेस्ट पर कोई अगर कोई प्रॉब्लम देता है तो आप इजिली अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चारों को जब सॉल्व किए तो आप देखिए ये चौथा ऑप्शन एस सिक्स थ्री किसके बराबर होता है, एस टू के बराबर लिखा जा सकता है, जो कि ऑप्शन में है यहाँ पर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में देखिए तो एस सिक्स थ्री को एस टू लिख सकते हैं। ठीक, अगला प्रॉब्लम लेते हैं। अगला प्रॉब्लम में देखते हैं कि ये दिया हुआ है, अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल चेंजेस साइन व्हेन इट रोटेटेड बाय 180 अराउंड द मॉलिकुलर एक्सिस, दिस ऑर्बिटल इज क्या, कोई मॉलिकुलर ऑर्बिटल है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, चेंज साइन व्हेन रोटेट 180 डिग्री अराउंड द मॉलिकुलर एक्सिस, मॉलिकुलर एक्सिस के थ्रू हम इसको 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये डाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल अपना साइन को चेंज कर दे रहा है, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बार बार बात करते आ रहे हैं कि कौन सा ऑर्बिटल है कौन सा ऑर्बिटल है। हाँ, ये पॉइंट ग्रुप का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्रुप थ्योरी का ही क्वेश्चन है, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन नहीं है। पॉइंट ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं ना, हम रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे कि क्या आता है। बार बार बात करते आ रहे हैं पाई ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल, बार बार जब टॉपिक के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा वहां पर पाई ऑर्बिटल को बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कैथिलीन मॉलिक्यूल के लिए, सिस ब्यूटाडाइन के लिए, ट्रांस ब्यूटाडाइन के लिए, या पी जेड ऑर्बिटल पी एक्स ऑर्बिटल, सभी के लिए बात किए हैं। यहाँ पर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं,
हैं और मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, डायएटॉमिक मॉलिकुलर ऑर्बिटल, डायएटॉमिक एक एटम के लिए दूसरे एटम के लिए, जब इसको हम कंबाइन करते हैं, जब सिमेट्री कंबाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव रूप में कंबाइन करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। तो उसके लिए ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से बनता है, जब डिस्ट्रक्टिव टाइप से बनाते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, तो उसका मॉलिकुलर ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं 180 डिग्री से रोटेट किए, तो यहाँ से मैं एक एक्सिस बनाया रेड कलर का, जो ये एक्सिस बनाए, एक्सिस बनाकर इसको हम रोटेट कर दिए, रोटेट किए तो क्या होगा, 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये वाला पोजीशन कहाँ, ये लोब कहाँ चला जाएगा, अपसाइड चला जाएगा, ये वाला अपसाइड आ जाएगा और ये वाला डाउन साइड आ जाएगा। तो साइन को चेंज किया, ये कौन सा ऑर्बिटल है, समझ में आ गया, पी ऑर्बिटल। इसमें देख लीजिए आप, इसको अगर 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये पॉजिटिव लोब ऊपर चला जाएगा और ये निगेटिव लोब नीचे आ जाएगा। ठीक, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। ऑप्शन से देख सकते हो, ऑप्शन में दिया हुआ है सिग्मा डेल्टा पाई और फाई। तो ये जो पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल क्या बनाता है, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या बनाया है, पाई यू ऑर्बिटल, और ये बनाया है पाई जी ऑर्बिटल। अगर आपको अलग अलग करके भी पूछ देता कौन सा पाई ऑर्बिटल है, तो दोनों पाई ऑर्बिटल अपना साइन चेंज कर देता है, इसमें इन्वर्जन है किसमें इन्वर्जन नहीं है पूछ देगा। तो आप ये देखिए, आप इसको इस प्रकार से क्रॉस कर सकते हैं जो कि सिमेट्री है, तो इसमें क्या है, इन्वर्जन है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कोई इन्वर्जन यहाँ पर नहीं बन रहा है। ठीक, क्लियरली समझ में आ गया होगा, पी ऑर्बिटल है जो कि पाई ऑर्बिटल का, पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, द पॉइंट ग्रुप ऑब्टेन बाय एडिंग सिमेट्री ऑपरेशन सिग्मा एस टू पॉइंट ग्रुप सी फोर इज, मतलब कोई पॉइंट ग्रुप है, इफ पॉइंट ग्रुप जो कि सी फोर समूह में है, सममित सक्रिया सिग्मा एच के संकलन से जो बिंदु समूह प्राप्त होता है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, सी फोर पॉइंट ग्रुप में यदि मिरर प्लेन एच को, इसको डाल दिए सिग्मा प्लेन एच को इसमें ऐड करते हैं तो कौन सा पॉइंट ग्रुप वो फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया है, सिर्फ सी फोर ही दिया है, सी फोर भी करके नहीं दिया है। तो सी फोर में आप यदि अब देखिए, यहाँ पर न तो कोई वर्टिकल प्लेन है न कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अब इसमें आप सिंपली आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐड कर दिए तो ये सी फोर एच में चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी फोर एच डाल दीजिए आप, सी फोर एच में ये चेंज हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका ये वाला सेकंड ऑप्शन। अगर वर्टिकल रहता तो वहां पर अगर हॉरिजॉन्टल को भी ऐड करते तो वो कहाँ जाता, डाईहेड्रल प्लेन में चला जाता, ध्यान रखिएगा ये सब चीज का। अगला देखते हैं, द पेयर ऑफ सिमेट्री पॉइंट ग्रुप दैट आर एसोसिएटेड विथ ओनली पोलर मॉलिक्यूल इज, अब यहाँ पर एक पेयर दिया हुआ है आपको, चार ऑप्शंस में से पेयर पेयर दिया गया है, और ऐसा सिमेट्री पॉइंट ग्रुप खोजना है आपको जो केवल पोलर मॉलिक्यूल के द्वारा ही शो करता है। ठीक, तो आप ध्यान में रखिए, मैं चारों ऑप्शन को पकड़ते हुए चलता हूँ, यहाँ पर सी टू भी और डी इन्फिनिटिव एच, क्या इसमें दोनों पोलर है कि नहीं है, हो सकता है यहाँ पर एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो, लेकिन अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा पेयर खोजना है जो सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल के द्वारा ही शो करेगा। तो चलो देखते हैं, अब पोलर मॉलिक्यूल कब होगा, डाईपोल मोमेंट है तो पोलर है, डाईपोल मोमेंट नहीं है तो पोलर नहीं है। ठीक, सीधा सीधा देखते हैं, पहला ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन में दिया है सी टू भी और डी इन्फिनिटिव एच, अगर मैं डी इन्फिनिटिव एच को देखता हूँ तो कौन से मॉलिक्यूल के द्वारा शो होता है, एच टू एन टू जो कि लीनियर होता है, लीनियर मॉलिक्यूल के द्वारा ही शो होता है, जो जनरली क्या होता है दोनों तरफ से सेम होता है। अगर मैं इसमें रोटेशन एक एक्सिस पास करता हूँ, जैसे कि एच और एच, इसमें मैं एक्सिस पास करूंगा तो एक्सिस पास करूंगा तो दोनों साइड क्या होता है, इधर और इधर दोनों तरफ सेम होता है। तो ये आप बताइए इसमें क्या ये डाइपोल मोमेंट होगा, नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं है तो ये पोलर नहीं है। जैसे कि इसके लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सी एच और ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो इसमें देखिए मैं यहाँ से फिर एक एक्सिस पास करूंगा तो इधर और यहाँ दोनों तरफ फिर से सेम हो रहा है, तो ये क्या पोलर होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट होगा इसमें, नहीं होगा ना, तो इसे ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो पहला ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं सी टू, दूसरा ऑप्शन में
दूसरा ऑप्शन में दिया होगा, एक और ऑप्शन, एक और पेयर है, सी टू एच के बारे में बात करता हूँ। इसमें दूसरा ऑप्शन में सी टू एच है, सी टू एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी टू एच को मैं लिख सकता हूँ सी टू और सिग्मा एच। ठीक, अगर मैं इसको अलग अलग करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, जैसे कि अभी पहले प्रॉब्लम में देखे सी फोर में अगर मैं सिग्मा एच एड कर देता हूँ तो क्या लिखूंगा उसको, सी फोर एच लिखूंगा, वैसे सी टू एच है, सी टू एच को लिख सकता हूँ मैं सी टू और सिग्मा एच। ठीक, अब इसको हम क्या बोलते हैं, अब याद कीजिए, अभी बात किए थे सी टू और सिग्मा जहां पर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस टू, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सी टू एच में ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जहां पर इन्वर्जन सेंटर हो, जैसे कि ये देखिए, तो ये देखिए आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में ये इधर से जाएगा और इस डायरेक्शन में ये इधर से जाएगा, तो ये आपस में क्या करेगा, इसको कैंसिल करेंगे, इस डायरेक्शन में ये इधर से आ रहा है, इस डायरेक्शन में इधर से आ रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देगा, मतलब इसमें फिर से डाइपोल मोमेंट कहाँ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इसमें भी नहीं मिलेगा। तो ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल बनेंगे। टी डी रेगुलर टेट्राहेड्रल के बारे में तो बात ही नहीं करूंगा, आपको पता ही है उसमें कोई पोलारिटी मतलब कोई डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाता है, मतलब वो नॉन पोलर हो जाएगा। बात करते हैं सी टू भी पर, ठीक, ये सी टू एस था, ये सी टू भी पर बात कर रहे हैं, सी टू भी पर बात कर रहे हैं, तो कुछ इस टाइप से एग्जाम्पल मिलते हैं आपको, मतलब ये क्या होता है, ये प्लेन पर नहीं पाया जाता है, ये पिरामिडल शेप में होगा या ऐसा कुछ इस टाइप से होता है, एंगुलर शेप, पिरामिडल शेप इस टाइप से होता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं सी टू भी में इस टाइप से एग्जाम्पल मिलेंगे, इसमें पोलारिटी मतलब डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, होगा। ठीक, सिग्मा सी इन्फिनिटी भी दिया है इसके साथ में एक और पेयर में, ये लीनियर मॉलिक्यूल के द्वारा सो होता है, लेकिन लीनियर मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए कि ये हेट्रो एटॉमिक हो, मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए आप एनओ के बीच में एक एक्सिस पास करते हैं तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डिफरेंट एटम रहेंगे, तो ये ऑब्वियसली ये डाइपोल मोमेंट शो करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, तो ऑप्शन फोर्स इसके लिए सही होंगे। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए ऑप्शन फोर में सी टू भी, ऑप्शन फोर में ये दिया हुआ है सी टू भी और सिग्मा भी। आई होप ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, और इसमें देखते हैं द मॉलिक्यूल डाइबोरेन बिलोंग टू सिमेट्री पॉइंट ग्रुप, कौन सा पॉइंट ग्रुप को ये बिलोंग करेगा, कौन, डाइबोरेन। अभी डाइबोरेन कोई बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, देखिए बस आपको कॉम्प्लिकेशन उलझाता बस है क्या है, देखिए ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हो गया ये वाला, अब मैं यहाँ पर एक किसका एग्जाम्पल लिया हूँ, एथिलीन मॉलिक्यूल का। अब देखिए आप दोनों लगभग लगभग एक ही जैसे दिख रहा है, आप देखना चाहें तो, ठीक, कैसे दिख रहा है ये देखिए, इसमें दो कार्बन, यहाँ पर दो बोरान, अब इसमें डबल बॉन्ड है बीच में, ये डबल बॉन्ड आप इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, ठीक वैसा ही है यहाँ पर, जैसे आप अगर कोई पॉइंट ग्रुप पूछता है कोई मॉलिक्यूल के बारे में, तो कोई आप ऐसा एग्जाम्पल अपने दिमाग में लाइए, इमेजिन कीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं और उसे कंपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं एथिलीन मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूँ, एथिलीन मॉलिक्यूल के बारे में आपको पता होगा कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, अगर नहीं है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि इसको इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, ठीक, यहाँ से भी लिया जा सकता है एक एक्सिस जो कि दो बराबर भाग में इसको बांट रहा है, लेकिन यहाँ से भी लिया जा सकता है जो इसको दो बराबर भागों में बांट सकता है इधर से इधर से, ठीक, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस का चुनाव हम वहां से करते हैं, अगर इस प्रकार से अगर कई एक्सिस मिल जाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस लेने के लिए हम वहां से करते हैं जहां से एटम ज्यादा से ज्यादा क्रॉस हो जाए। ठीक, तो मैं यहां से प्रिंसिपल एक्सिस लूंगा, तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस इसके लिए भी ले लीजिए, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां से भी लिया जा सकता है इसके लिए क्योंकि दो एटम यहां से भी ये क्रॉस कर रहा है और यहां से भी क्रॉस कर रहा है। ठीक, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां से मैं प्रिंसिपल जो सी टू है मतलब, और जो सब्सिडरी एक्सिस है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो सी टू ना लेके हम इसको क्या लेंगे, डी लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा, डी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, ये डी टू कॉन्सेप्ट में हो गया क्योंकि टू फोल्ड एक्सिस पर जा रहा है, ये डी टू कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें देखते हैं डी टू के बाद यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस लिए उसके वर्टिकल क्या प्लेन बनाया जा सकता है, तो हाँ यहाँ पर प्लेन बनाया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर ऐसा प्लेन डाला जा सकता है जो इसको दो इक्वली हाफ में डिवाइड करता है, यहाँ पर भी वैसा प्लेन बनाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर प्लेन बनता है तो वो कहाँ पर जाता है, एच कॉन्सेप्ट में जाता है। ठीक, तो ये इसका फाइनली जो पॉइंट ग्रुप मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, डी टू एच। ठीक, क्लियरली समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं बता सकते, तो उसी को यहाँ पर बताया हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बनाया जा सकता है इसको।
तो यहाँ पर सिग्मा जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, डी एन एच हो जाएगा, और ये सिग्मा पैरेलल होता है तो सी एन एच लेते हैं, तो यहाँ पर डी एन एच होगा, डी एन एच जो कि टू फोल्ड पर है तो डी टू एच। ठीक, अगला लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एन एस एफ थ्री में पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, गेट 2008 में पूछा गया था, और इसके लिए एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से दिया गया है, डी थ्री डी सी थ्री एच डी थ्री एच सी थ्री भी। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो फिर से अभी जैसा कि मैं बोला, आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल पता हो उसे कंपेयर करो जिसके बारे में आपको पता है, तो हाँ मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ अमोनिया से। अमोनिया के लिए कैसा होता है, ये एन एस थ्री कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, ठीक वैसा ही इसको मैं भी कर सकता हूँ, एन एफ थ्री को इधर ले लेता हूँ और एस को जो लोन पेयर है उसके पोजिशन पर रख देता हूँ। ठीक, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, एन एस थ्री को, जैसे कि एन एस थ्री यहाँ पर एन से पासिंग हो, ऐसा एक इस प्लेन, इसमें क्या लेते हैं हम, एक्सिस लेते हैं, ये थ्री फोर्ड एक्सिस बनाता है, ये थ्री फोर्ड एक्सिस को कुछ इस प्रकार से बताया जा सकता है, ठीक थ्री फोर्ड एक्सिस, तो वैसा ही एक्सिस इसमें भी बनेगा। ठीक, अब इसमें एक प्लेन भी डाला जा सकता है, प्लेन डालेंगे तो क्या होगा, प्लेन एक इससे पकड़ एक किससे होते हुए जाएगा, एक हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से होते हुए इस प्रकार से एक प्लेन बनेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सी थ्री के पैरेलल बनेगा। ठीक, तो अगर सिग्मा प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल बनता है तो हम वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, वी वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, अगर परपेंडिकुलर बनता तो एच वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पास और कोई सब्सिडरी एक्सिस नहीं है, इसलिए सी सी पर ही रुक गया, अगर कोई सब्सिडरी एक्सिस होता तो सी को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते, तो फाइनली ये कौन सा पॉइंट ग्रुप बना रहा है, सी थ्री भी पॉइंट ग्रुप बना रहा है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, ये वीडियो लेंथ बड़ा हो रहा है, ये पूछा गया है, पॉइंट ग्रुप ऑफ सी एल एफ एफ थ्री मॉलिक्यूल एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आई आर आर एंड रिस्पेक्टिवली, पूछा गया है सी एल एफ थ्री मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होगा और उससे संबंधित करेस्पॉन्डिंग जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, नंबर उसकी नंबर क्या होंगे। तो इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं पहले, सी एल एफ थ्री इसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए आप देखिए स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस प्रकार से होता है, टी शेप होता है, टी शेप सी एल एफ थ्री का स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं इस टाइप से ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है, तो इसमें दो लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर के कारण से ये क्या हो जाएगा, टी शेप में आ जाएगा, इस टाइप से टी शेप में ये आ जाता है। अब इस टी शेप के लिए आप पॉइंट ग्रुप निकालोगे तो क्या बनेगा, फिर से ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ से एक एक्सिस पास कर सकते हैं जो दोनों तरफ से इक्वली डिवाइड करेगा, और इस पर एक मिरर प्लेन बनाएंगे तो कुछ ऐसा फ्लोरिन से होते हुए जाएगा जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए सी टू भी पॉइंट ग्रुप बनेगा। अब इस सी टू भी पॉइंट ग्रुप में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक तो क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, तो पहला तो आइडेंटिटी आप देंगे ही देंगे क्योंकि वो सब जगह रहता है, एक सी टू एक्सिस बनाया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस था, और जितना सी एन मान लेते हैं सी एन एक्सिस है, सॉरी ये सी एन एक्सिस है, तो उतना ही एन सिग्मा भी बनता है। ठीक, सी एन एक्सिस तो मतलब जो जितना ऑर्डर में एन रहेगा उतना एन सिग्मा भी बनता है, तो यहाँ पर टू एक्स टू फोल्ड है तो टू सिग्मा भी बनेगा, तो टोटल इसके लिए ऑपरेशंस कितने बन गए, तीन ऑपरेशंस बन गए। ठीक, तो नहीं टोटल मिला के कितना है, थ्री क्लास पर टोटल फोर ऑपरेशंस बन रहे हैं, एक दो और दो, यहाँ से टोटल चार ऑपरेशंस हो गए, और जितने ऑपरेशंस होते हैं उतना ही क्या होता है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की संख्या, सॉरी जितना क्लास होता है उतना इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की संख्या होती है। ये सिग्मा भी को हम फिर से आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो एक्स जेड और वाई जेड में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्लास कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो यहाँ पर सी टू भी पॉइंट ग्रुप और क्लास की संख्या चार, वही इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की संख्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियरली समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन को टच कर सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करके जानकारी देके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।